जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे आपके वेतन बढ़ोतरी संबंधित खबर हो या आपके स्थायीकरण को लेकर जो भी खबरें आती है, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, बजट 2020 आ चुका है। बजट में बहनों के लिए कई तोहफे हैं वो सरकार ने दिए हैं, जिसमें आपकी कई मांगे हो मानी गई है, जिसमें आपके वेतन बढ़ोतरी, साथ ही बीमा, चिकित्सा भत्ता, पेंशन जैसी सुविधा हैं वो सरकार ने दी है या नहीं दी है, कौन कौन सी बहनों की मांगे मानी गई है, कौन से तोहफे बहनों को दिए गए हैं, क्या फैसिलिटी बहनों को आने वाले साल में दी जाएगी, इस वीडियो में सभी हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या बहनों को दिया गया है बजट 2020 में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी बहनों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस करें, क्योंकि आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की छोटी सी छोटी खबर होती है, लगातार हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कौन से राज्य में और कौन से पद पे आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य की आंगनवाड़ी संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो सभी खबरें पूरा डिटेल से देख लेते हैं। बजट 2020 में बहनों के लिए क्या तोहफा है, पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। बजट 2020 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। जी हाँ, आपके लिए अच्छी खबर है। पूरा न्यूज हम देख लेते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरा बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले ही इस हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें थी। एक महिला वित्त मंत्री होने के कारण महिलाओं को बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, और बजट पेश होने के बाद लगा कि काफ़ी हद तक ये महिलाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। देश की महिलाओं को और इस बजट में ख्यास ध्यान रखा गया है। महिलाओं को स्वास्थ्य को जहन में रखकर सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की। सबसे खास बात यह थी कि बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 10 करोड़ परिवारों को न्यूट्रिशन की है वो घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए का आवंटन करने की भी घोषणा की गई है। मातृत्व की उम्र में होगा बदलाव। महिलाओं के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही मातृत्व की उम्र में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही जहां पहले सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र में बदलाव किया था, वही अब इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मां बनने की उम्र को लेकर भी चर्चा चल रही है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये गठन 6 महीने में इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। इसके अलावा बजट में ये घोषणा की गई कि 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये घोषणा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि काम के दौरान उन्हें अक्सर कम्युनिकेशन की समस्या का है वो सामना करना पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन, तो बहनों को कम्युनिकेशन के लिए यहाँ फ़ोन की जरूरत होती है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर बात करते हुए मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य योजना पर 70,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलावा देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल करेगी। इसके लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए PPP मॉडल है वो शुरू किया जाएगा। तो ये बहनों के लिए घोषणा थी। आगे भी कई घोषणाएं हैं वो बहनों के लिए हो सकती है, साथ ही उस जिसमें मानदेय बढ़ोतरी को लेकर भी कई घोषणाएं लगातार है वो कई राज्य सरकार करने वाली है। कई राज्य सरकारों में आपकी आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि वहां पंचायत चुनाव है, कई वजह से आपकी घोषणाएं नहीं हो पा रही है। जल्दी इसकी घोषणा आपकी मार्च तक होने वाली है। लगातार हम सभी राज्यों की खबरें आपको डे बाय डे आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।